किसी को पथरी बनी है, तो पथरी बनने के बाद उसको तकलीफ क्या हो सकती है? अभी पथरी समझो कि किडनी में है, तो टिपिकली पेशेंट को क्या होगा कि उसको खुबे में, राइट फ्लैंक में या लेफ्ट फ्लैंक में, जिस कई साइड में पथरी होगी वहाँ पे पेन होगा। पथरी अगर नली में फंसी हुई है, मेडिकल भाषा में उसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर में फंसी हुई है, तो पेशेंट को पेन की सीवियरिटी होती है, वो बहुत सारी सीवियरिटी होती है, उल्टियाँ होती है, पेशेंट पेन सहन नहीं कर सकता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि पेन की पथरी आपकी नली में फंसी हुई है। पथरी अगर मूत्राशय की थैली में है या नली में है जहाँ से हम पेशाब करते हैं, तो पेशाब करने में दिक्कत होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, ये सब तकलीफें हो सकती है। आपको इसमें से कुछ भी अगर तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन करवाना जरूरी है। डॉक्टर साहब आपका, जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे आगे जाके, एक तो आपकी जांच करेंगे और उसके बाद कुछ आगे जाके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो दो तरीके के इन्वेस्टिगेशन होंगे, एक तो ब्लड के होंगे ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, किडनी का काम सही है ना, और सबसे महत्वपूर्ण दो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, दो जांचें होती है, जिनका नाम है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके ऊपर से पता लगेगा कि किडनी में इन्फेक्शन है कि नहीं, स्टोन कहाँ पे है, स्टोन का साइज़ क्या है, और दूसरी जांच जो है उसको सीटी स्कैन या सीटी आईवीपी बोलते हैं, जिसमें किडनी कैसा काम कर रही है और किडनी के ऊपर कितना प्रेशर जमा हो रहा है ये देखा जाता है। ये जांचों के ऊपर और एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आ जाती है कि वो नक्शे जैसा काम करती है, कि डॉक्टर को वो ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये एक जानकारी दे देती है कि किस तरीके से जाके वो पथरी का इलाज करना है। तो ये सब चीज़ों में आपको पता लगे, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पथरी बनती है तो आपको क्या तकलीफ होगी और आगे जाके आपकी क्या जांचें होगी।